पौड़ी में ठेकेदारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आपको बता दें कि रॉयल्टी को 5 गुना अधिक बढ़ाए जाने पर ठेकेदारों नाराज हैं। वहीं ठेकेदारों संघ के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ठेकेदारों पर जबरन गलत नियम थोप रही है, जिससे आहत होकर ठेकेदार सभी कामकाज पूर्ण रूप से बंद करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पहले ही छोटे ठेकेदार परेशान थे और अब सरकार की गलत नीतियों से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। वहीं सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इस फैसले को जल्द वापस ले। पौड़ी से मुकेश बछेटी की रिपोर्ट। आपको जवाब दे दूं, पीएम जसवाई जो है 22 में इसको कर रहे हो, लगभग वो पीएम जसवाई को खत्म कर रहे हैं, तो बाहर की कंपनियां यहाँ आ रही हैं, वो चाह रहे कि बड़े बड़े टेंडर लगे, 10-10, 20-20 किलोमीटर के टेंडर लगे, उन्होंने अपना पूरा टर्न ओवर, यहाँ का आदमी क्या जानता पहाड़ गाँव के टर्न ओवर क्या हुआ, डीएससी क्या हुई, वो तो बेचारा 10-15 लाख का काम करता है, उसमें 5-7% चलने, अगर ये शर्त ये शर्त लागू हो जाएगी रॉयल्टी की, तो एक रुपये कोई नहीं कमाए अपनी जेब का पैसा वाली बनी रहे कि जो हमारा बिल आता है काम करने के बाद उससे रॉयल्टी काटी जाए। अब सरकार ने एक नया शासन आदेश परसों 28 जून को जबरदस्ती जनभावनाओं की अपेक्षाओं पर न खरा उतरते हुए जबरदस्ती थोपा गया एक शासन आदेश है कि रॉयल्टी एडवांस भी जमा